वर्कशीट नंबर टू लेसन द थ्री क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर किंगडम किंगडम क्या होता है राज्य तो उसको हम किंगडम से मैच कर देंगे सेकेंड वर्ड है किंग किंग क्या होता है राजा तो हम उसे किंग से मैच कर देंगे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए इट वंस अकर्ड to a certain king that if always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and to avoid, and above all, if he always knew what was the important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा के मन में ये विचार आया once अक्कर तो a certain king कि अगर वो जान जाएगा right time सही समय कुछ भी काम को begin करने का start करने का, अगर वो जान जाएगा who were हु वर द राइट पीपल कौन सही लोग होते हैं जिनकी बात लिसन टू सुननी चाहिए एंड होम डू एवॉयड और किसको हमें अवॉइड करना चाहिए एंड अबब ऑल इफ़ यू ऑलवेज न्यू वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू अगर वो ये जान जाएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें करनी चाहिए ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा जो भी वो काम करेगा उसमें वो हमेशा सक्सेसफुल होगा एंड दिस थाविंग अक टू हिम और यह विचार उसके मन में आया हैड इट प्रोक्लेम थ्रूआउट हिस् किंगडम प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंसमेंट करना कि अगर अपने किंगडम में अपने राज्य में वो इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर देगा देन ही वुड हैव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम वट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन तो एक बहुत बड़ा वो रिवॉर्ड देगा इनाम देगा उस व्यक्ति को जो उसे सिखाएगा जो उसे ये बात टीच करेगा दैट वाट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन किसी भी काम का सही समय क्या होता है हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट नेसेसरी पीपल कौन बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोग होते हैं हमारे लिए एंड हाउ ही माइट नो वट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू और सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है जो हमें करना चाहिए क्वेश्चन नंबर टू आंसर द following क्वेश्चन बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन अब इस पैसेज पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है हमारा वॉन्टेड नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग कौन जानता था किसी भी काम को करने का सही समय जानना तो इसका आंसर है द किंग राजा जानना चाहता था वॉज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग थ्री क्वेश्चन वट वॉज द रिवॉर्ड वट वॉज द रिवॉर्ड मीन्स क्या इनाम मिलने वाला था तो शायद वो किंग बहुत बड़ा आपके इसमें दे रखा बिग रिवॉर्ड तो सब गोल्ड भी दे सकता है और लैंड ऑन बाय द किंग भी वो दे सकता है तो ए एंड बी बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं हु प्रोक्लेम वर्ड प्रोक्लेम का मीनिंग है अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट बाय द किंग एक घोषणा करना अनाउंस करना प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना फिर उसके बाद नेक्स्ट है द किंग थॉट इफ यू न्यू ऑल द थ्री आंसर्स राजा जानता था अगर उसे तीनों क्वेश्चन के आंसर पता हो जाएंगे सो ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग वो किसी भी चीज में क्या होगा वो किसी भी चीज में फेल नहीं होगा द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन इज ही विल ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है आपको थ्री क्वेश्चन पूछे हैं कि थ्री क्वेश्चन क्या पूछे थे किंग ने वट वॉज द राइट टाइम टू बिगेन एवरीथिंग किसी भी काम को करने का सही समय क्या था हु वॉज द राइट पर्सन टू लिसन टू किसकी बात हमें सुननी चाहिए एंड वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू और कौन सा काम है जो हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें करना चाहिए चैप्टर